हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जुडिशियल एग्जाम्स में आए हुए हैं, अनसॉल्व के हैं, बुक्स के हैं, ये सब मिक्स करके आपके सामने हम बता रहे हैं, ताकि इस तरीके के ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं और इन्हीं को हेर फेर करके बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से हम चार ऑप्शन होते हैं हर एक क्वेश्चंस का, वो चार ऑप्शन हम ना दे करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर उसका क्या आंसर होगा वो हम बात करते हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 44 तक सभी डिस्कस कर चुके हैं और हमें मालूम है कि सेक्शन 1 से सेक्शन 44 के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो आइए क्वेश्चंस के बारे में करते हैं जो हमारे जुडिशियल एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम इस पार्ट में बता रहे हैं और कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे इसका हम क्वेश्चन 1 के बारे में बताते हैं, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 केम इनटू ऑपरेशन ऑन, ये हमने आपको पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसके फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारे यहाँ पर इन्फोर्स्ड कब हुआ, कब हुआ, 1 मार्च 1964 को। तो इसका आंसर हो गया 1 मार्च 1964। सेकंड क्वेश्चन में, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स द दैट द स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर enforcing civil rights and not enforcing penal laws। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि the specific relief act किस में लागू होता, civil laws में या penal laws में। तो section 4 में आया था कि the specific relief act किस में लगता है, the civil rights में। तो इसका answer में हम किस section में पढ़े थे, section 4 में, इसका आंसर हो गया सेक्शन 4। थर्ड क्वेश्चन, विच सेक्शंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने इसमें बताया था कि जो रिकवरी है पोजीशन की वो किस सेक्शन में पढ़े थे, सेक्शन 6 में, इसका आंसर हो गया सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 4, अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैन बी फाइल्ड, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 6 किसके बारे में फाइल कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने इसके पहले बताया हुआ है, इसमें फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन के रिकवरी के बारे में हम केस फाइल करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन ए सूट प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमने इसमें भी सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 में बताया था कि जो कोर्ट ऑर्डर या डिक्री करेगा उसकी अपील या रिवीजन नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते, तो क्या होगा आंसर, नाइदर अपीलेबल नॉर रिवाइवेबल, ये इसका आंसर होगा। नंबर 6 में आते हैं, ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेन। हम रिकवरी किसके खिलाफ नहीं फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 6 में डिस्कस किया था, अगर कोई प्राइवेट पार्टी या हम उसके टाइटल होल्डर हैं और उसे निकाल करके बाहर फेंक देते हैं तो हम जबर उसका पोजीशन लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अगर यही काम कोई गवर्नमेंट कर देती है, सरकार की तरफ से कर देती है, तो उसका हम नहीं फाइल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, गवर्नमेंट, सेक्शन 6 में गवर्नमेंट के खिलाफ में। सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 में हम सूट फॉर डिस्पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 शुड बी ब्रॉड, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 6 का। सेक्शन 6 में कई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि हम जब कोई पार्टी
जो पोजीशन में थी उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो जो पार्टी निकाली गई वो कितने समय तक कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकती है, ये हमने उसमें बताया था 6 मंथ तक। अगर 6 महीने के अंदर वो कोर्ट में फाइल करता है केस और अपना पोजीशन और लीगलिटी प्रूव कर देता है तो उसको फिर से पोजीशन आना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर हो गया, विद इन 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम, क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ है एग्जाम में कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें दोनों थे इमूवेबल और मूवेबल, किसमें रिकवरी होती थी, सेक्शन 7 में। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 7 में, सेक्शन 8, हाँ सेक्शन 7 में हम उसकी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की करते थे। सेक्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9, सूट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज नॉट कॉम्पिटेंट, इसके बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में एक बार फिर क्वेश्चन को देख लें, सूट अंडर 8, सूट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज नॉट कॉम्पिटेंट, किस जो सेक्शन 8 है वो किसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं होगा, अगेंस्ट ए पर्सन हु इज ऑनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्ड, कौन कॉम्पिटेंट होगा, जो उसका ऑनर होगा, जिसके पास में लीगल डॉक्यूमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, अगेंस्ट ए पर्सन हु इज ऑनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्ड। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी इनवोक्ड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, अगेंस्ट ए पर्सन हु हैज पोजीशन और कंट्रोल ओवर द आर्टिकल, जिसके पोजीशन में है कोई आर्टिकल या वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका लीगल ऑनर है या नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 9 हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हम द डिफेंसेस, सेक्शन 9 में हम पढ़ चुके, डिस्कस भी कर चुके, द डिफेंसेस व्हिच ए पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड मे प्लीड, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो आए हुए उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन 11 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स, सेक्शन 11 पढ़ चुके हैं, सेक्शन 11 हमको क्या प्रोवाइड करता है इसके बारे में हम बता रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विथ ट्रस्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विथ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट से कनेक्ट रहे उसे हम, उसका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 12 सब क्लास 2 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अप्लाइज वेयर द पार्ट विच रिमेन्स अनपरफॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज, सेक्शन 12 2 के बारे में डिस्कस किया था कि कोई पार्ट है पूरा हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराने जाते हैं तो पता चलता है 10 बीघे की जगह 8 बीघा निकलती है और पूरी वो पार्ट नहीं निकलती है, तो हम सेक्शन जो है 12 2 सब क्लास 2 किसके बारे में पढ़ते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन के बारे में, किसके बारे में, स्मॉल प्रोपोर्शन, सेक्शन 12 2 स्मॉल प्रोपोर्शन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद, अभी बता चुका हूं सेक्शन 12 किसके बारे में डील करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बारे में करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 12 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 द जनरल रूल क्या है सेक्शन में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी ग्रांटेड। हमने सेक्शन इसमें डिस्कस किया था कि अगर कोई पूरा का 1000 स्क्वायर फीट का एग्रीमेंट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब उसको परफॉर्म कराने जाता है तो वहां पर वो 800 निकलता है, तो 800 का वो परफॉर्म नहीं करेगा, या तो वो पूरा करे या तो रेस्ट पार्ट का कंपनसेशन दे। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज नो एप्लीकेशन व्हेन द ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी। सेक्शन 13 में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्शन 13 में, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा। सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 13 किसके बारे में है ये हम पढ़ा चुके हैं। सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज नो एप्लीकेशन व्हेन द ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बारे में कहा गया है। इन विच वेंडर हैज टाइटल, जिसके पास में क्या है टाइटल है, इसका आंसर होगा इन विच द वेंडर हैज टाइटल। क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स अबाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता वो किस सेक्शन में हम उसको किस सेक्शन में दिया हुआ है, इसको हम समझा चुके हैं सेक्शन 14 में ये दिया हुआ है कि हम उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते। कोई गायक था और गायक को हम जबरदस्ती कहें कि इसके गाने को बंद करा दिया जाए ना कराया जाए, ऐसी चीजें थी जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती हैं, वो हम सेक्शन 14 में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, कौन सा ऐसी चीज है जो हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, तो इसमें किसमें नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटर्मिनेबल इन इट्स नेचर, जो उसका नेचर, इसमें से कुछ ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस के बारे में हमने नहीं लिखा, लेकिन इसका आंसर जो था आंसर के बारे में हमने बताया कि इसमें वो नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड। सेक्शन 15 में क्या कहा गया था, सेक्शन 15 डिटेल से डिस्कस किए थे कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से और कॉन्ट्रैक्ट में हमें एप्लीकेबल क्या होगा, हम करें या अपोजिट पार्टी करे, बोथ पार्टीज, हमारे या किसी के मिसहैपनिंग के बाद में उसके सक्सेसर, लीगल राइट होल्डर वो करे, और थर्ड कौन करता है, जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसका प्रिंसिपल है, ऑनर है। तो ये इसमें तीन बातें आती हैं, एनी पार्टी, हम या वो, हमारे उत्तराधिकारी लीगल सक्सेसर या उसके, और प्रिंसिपल। तो इसमें तीन चीजें आंसर में होंगी और तीन में से जो भी आती हैं, तीनों आती तो वो इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
द कोड सेक्शन 21 अंडर सेक्शन 21 में हमने पढ़ा था शैल नॉट अवार्ड कंपनसेशन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड इट इन हिज प्लेंट। क्या होता है कि अगर कोई भी प्लेंट फाइल करने वाला अपने प्लेंट में उसके कंपनसेशन के लिए प्रेयर नहीं करता है तो उसका कंपनसेशन उसको नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द कोड सेक्शन 21 क्या कहता है कि अगर प्रेयर में हम कंपनसेशन के लिए प्लेंट में कंपनसेशन के लिए प्रेयर नहीं किए हैं तो वो कंपनसेशन नहीं कोर्ट दिलाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कुछ जो बोर्ड में आए थे और जो कुछ बुक्स के थे जो इम्पॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 1 से 44 के बीच में किन किन तरीके से आंसर होंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम आंसर उनको रख सकते याद रख सकते अगर हमें 1 से 44 सेक्शन तक के बारे में मालूम है। तो अभी हम नेक्स्ट उसमें कुछ इसके और क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।